ओके तिस्का जी, मैंने देखा कि एक वाइफ किस तरह से अपने हस्बैंड को सबक सिखाती है, आप बताइए जरा कुछ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, और दुनिया की हर एक बिगड़ैल हस्बैंड के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली हम लोग चटनी के बाद हमारी कोशिश थी कि एक काइंड ऑफ सीक्वल जैसा बनाएं, पर आई डिडंट वांट टू मेक अ डार्क फिल्म और अ फिल्म व्हिच इज़ अगेन लाइक अ इट हैज़ टू बी अ थ्रिलर बट अ कॉमिक थ्रिलर. तो वी वर वेरी क्लियर ऑन द काइंड ऑफ फॉर्मेट. हमें ऑलमोस्ट एक साल लग गया ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढने में, एंड टुडे वी सॉ द फर्स्ट शो एंड इट वॉज जस्ट सो फैब्यूलस द ऑडियंस रिस्पॉन्स. एंड बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हम छुरी को और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि वी शुड रिलीज छुरी एंड शो इट टू द वर्ल्ड. तो ये मैं बोल रहा था कि ये सारे हस्बैंड को क्या कहना चाहेंगे आप जो अपनी वाइफ के अलावा और भी जाते हैं? आप सिर्फ चटनी और छुरी देख लीजिए, उसके बाद मेरे को जो कहना है मैंने अपनी फिल्मों के थ्रू कह दिया है. अनुराग सर ने कहा कि सिर्फ आपकी वजह से ही उन्होंने साइन की मूवी, तो ऐसा आपने क्या कहा था कि उन्होंने झट से आगे? आई थिंक ही रियली लाइक चटनी, बट मैंने भी बहुत प्यार से उन्हें मनाया था. लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा अंदर? फैब्यूलस, वी आर वेरी हैप्पी. He was amazing, Anurag. Anurag Kashyap as an actor was fabulous on set. ऐसे एकदम बच्चे जैसी एनर्जी, enthusiastic, fresh. हाँ मैं एक बार और करता हूँ, मैं एक बार और करके दिखाता हूँ. He didn't get any of the director on set, but supporting, encouraging, कहा थोड़े और घंटे रहना है, मैं और थोड़ी देर भी रह जाता हूँ. सो इट वॉज जस्ट अमेजिंग. शॉर्ट फिल्म्स आर द फ्यूचर बिकॉज पीपल ऑन देयर मोबाइल फोन्स वांट टू सी समथिंग विच इज़ 5, 10, 15, 20 मिनट्स. जब यू नो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ट्रैफिक में, एक ये तरह का माइक्रो कॉन्टेंट विच इज़ गोइंग टू बी बिग, एंड द अदर थिंग विच इज़ गोइंग टू बी बिग इज़ बिंज वॉचिंग. लोग पीपल 5, 6, 7, 8 एपिसोड 1, 2, 3, 4 घंटे सैटरडे को बैठ के या संडे को बैठ के अपना फेवरेट शो या अपना फेवरेट फिल्म देखना चाहते हैं. सो आई थिंक ये दो तरह के पोलराइज हो जाएंगे कॉन्टेंट, या तो माइक्रो कॉन्टेंट या बिंज वॉचिंग. इस दो तरह के कॉन्टेंट्स में पोलराइज हो जाएगा व्यूअरशिप. मैम डू यू थिंक क्या शॉर्ट मूवी की वजह से लॉन्ग फीचर फिल्म इफेक्ट हो रही है, क्योंकि एक 20 मिनट्स में पूरी कहानी बताई दी जाती है और फीचर फिल्म में 2.5 घंटे लग जाते हैं, तो उसके वजह से आपको नहीं लगता थोड़ा बहुत फीचर इफेक्ट हो रही है मूवी? नहीं, आई डोंट थिंक कि फीचर फिल्म्स को कुछ इफेक्ट करेगा, बिकॉज कुछ कहानियाँ 15 ही मिनट डिजर्व करती हैं. अगर उस कहानी को आप लंबा खींचोगे तो वो पतली हो जाएगी, उसके अंदर उतना सब्सटेंस नहीं बचेगा. सो आई थिंक द आइडिया इज़ कि देर आर फिल्म्स विच रिक्वायर 2, 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, नॉट 3 आवर्स बट मे बी लाइक 2.5 आवर्स, 2 आवर्स, स्टफ लाइक दैट. एंड देर आर सर्टन फिल्म्स विच ओके सो या आप या तो आप व्हाट वाज आई सेइंग नाउ आई फॉरगॉट फीचर फिल्म. हाँ, सो आई थिंक फीचर फिल्म्स की अपनी कहानी, उसका अपना ड्यूरेशन होता है, जिस आपको 1.5, 2 घंटे चाहिए, 2.5 घंटे चाहिए टू फिनिश दैट स्टोरी. पर कुछ आइडियाज़ हैं विच आर ओनली लाइक 15 या 20 मिनट में यू कैन फिनिश दैट आइडिया, उसको खींचोगे तो वो फिर पतला हो जाएगा. तो हम ये वो वजह है कि हस्बैंड के मुझे गायब होने की, आप बताइए मेरे हस्बैंड के मोजे नहीं गायब होते. थैंक यू. आप क्या 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 आई एम आल्सो डू थिंक द फैक्ट दैट देयर इज अ सेंसरशिप प्रेजेंट इन शॉर्ट फिल्म्स टिल नाउ हेल्प्स एन आर्टिस्ट टू कवर आल्सो द डायरेक्टर. Certainly, the digital space provides for people to be able to freely express. There's no curtailing of content on the short space and in digital. So the content can be far more true to the way the story needs to be told, which I think is just fabulous. Yeah, thank that you. Is true. Thank you. Oh, it's my pleasure.
मतलब नीरज के साथ काम करना इट्स एब्सोल्युटली एन ऑनर. रोल तो बहुत खूबसूरत था बट फिल्म बहुत खूबसूरत एंड द फिल्म इज बिगर देन द एक्टर ऑलवेज. सो आप मानती हैं कि हर जो दुनिया के जितने भी मैन फ्रेटिनिटी के लोग हैं उनको ये मैसेज देना बहुत ही ज़रूरी है कि वो एक जगह पे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं और अपनी वाइफ को ये लाओ वो लाए फिर जिस तरह से आप जाके बैठ के फिर कूलर के सामने जाके बैठ उस तरह से मैसेज देना ज़रूरी है. यू नो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड ये इंटरनली हर इंसान को समझना चाहिए क्योंकि मंजू जो चीज़ के लिए वो जो एंड में आकर बैठती है इट्स नॉट अबाउट वन अपमैनशिप. मतलब मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ या मैं तुमसे मेरा दर्जा बड़ा है. शी इज़ नॉट फाइटिंग फॉर फेमिनिज्म एट ऑल. वो सिर्फ इक्वालिटी की बात कर रही है. अगर आप वहाँ बैठ सकते हैं तो मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ. मेरा भी घर है. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो ये बात तो हर इंसान को खुद को समझनी चाहिए. एंड इट हैज़ टू नॉट आई मीन इट इज़ नथिंग टू डू विद अ मैन वुमन थिंग. इट जस्ट हैज़ टू डू विद इक्वालिटी. इतनी सिंपल सी बात है. Extremely encouraging and you can experiment without having to you can experiment without having to worry what if it doesn't work. I mean you can tell your short stories. It's also a difficult medium because there's so much to tell and there's such a short time, but you can go out and take a risk and take a chance and say, you know what, I'm going to do this because I love it. Well, I guess yes. I mean, it's never less. It's never less, and but it's already, you know, started. The rolling is already started. People are looking forward to short films, so the viewership is much more. The sponsorship is much more. People want to be associated with films like this. So yeah, I think it's been set in motion. Thank you. Okay. मैं जूस तो पसंद करता हूँ लेकिन जूस का एक और अर्थ है कि रिस्पेक्ट. इसीलिए मैंने फिल्म का नाम भी जूस रख दिया था क्योंकि एंड में वो जाके जैसे बोलती है कि जैसे पुरुष प्रधान जो समाज है उसके बीच में हम लोग ये बोलते हैं कि मर्द वहाँ बैठे औरतें यहाँ बैठी हैं तो वो जाके अपना प्लेस क्लेम कर दी कि मैं मुझे भी यहाँ बैठने का हक इसीलिए वो बैठे. नो इट इज़ अ वेरी बैड इंडियन मेंटेलिटी टू थिंक दैट वे बिकॉज I really genuinely enjoy short films more because it's A, you can get adventurous, you have total freedom to do what you want to do and it also puts you in a discipline of time so that really pushes you to tell a story in the shortest possible time. Is it superstar for Bollywood ever taking part in it? I mean they are, I guess, like, you know, Bombay Talkies was the one where I think a lot of stars are taking place and even stars are waking up to that. I mean a lot of stars have, you know, expressed interest in doing a short with me, so it's pretty much there. So in terms of profit model, are you the only way which you can generate revenue or how, what are you see, there is a strong concept, like my first film show, it was released as a compendium of a couple of shorts together. So it could also be a revenue model that way. Sorry, what is it? It's like an anthology of four or five short films together and released as a film.